हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सिंह, मनोई टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लखनऊ आए हुए हैं, कुछ काम है लाटूस रोड पे, तो इसलिए हम चलते हैं। और लाटूस रोड हजरतगंज अमीनाबाद और कैंट एरिया होते हुए हम लोहिया पथ से वापस आएंगे, तो रास्ते में जो भी लखनऊ का एरिया पड़ेगा उसको आपको दिखाएंगे। तो हम चलते हुए पहुँच रहे हैं, अभी हम आ गए हैं सिकंदर बाग चौराहे पे। ये हमारा सिकंदर बाग है। आगे बढ़ेंगे तो दूरदर्शन केंद्र पड़ेगा, उसके आगे जवाहर भवन और इंदिरा भवन पड़ेगा। अभी हम जवाहर भवन पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये श्री राम टावर है। ये एक्चुअली यहाँ पे सारी दुकानें मोबाइल की ही हैं। आज से 10-5 साल पहले जब ऑनलाइन मोबाइल नहीं मिलते थे तो यहाँ पे बहुत भीड़ लगती थी। अभी भी हैं ऑफलाइन मोबाइल जो बिकते हैं, उन्हें यहाँ से ख़रीदा जा सकता है। और चलते हुए हम पहुँच रहे हैं नरही हज़रतगंज। सामने हज़रतगंज चौराहा है और यहाँ से हम राइट ले लेंगे, हज़रतगंज में दिखाते हैं आप लोगों को। ये छंगामल चौराहे वालों की दुकान निकल गई है। आगे बढ़ते हैं, ये मोती महल है बाएं तरफ, रेस्टोरेंट। और आगे बढ़ते हैं तो हमारा साहू टाकी जाएगा राइट हैंड में। ये हमारा साहू टाकी से सामने चौराहे से हम लोग राइट ले लेंगे और चलेंगे सहारागंज। सामने बजाज लाइन्स का ऑफिस है, यहाँ पे थोड़ा काम था तो निपटा करके आते हैं। ये हमारे साथ में हैं सुधीर जी, सुधीर के साथ में हम पूरे लखनऊ की सैर करेंगे। ये हम आ गए हैं सहारागंज। ये नेशनल पीजी कॉलेज के पास से होते हुए हम फिर से हज़रतगंज में इंटर करेंगे। ये हम आ गए हैं हलवासिया हाउस, हज़रतगंज में बहुत फेमस जगह है। यहाँ से अगर हम दाहिने मुड़ लेंगे तो सीधे यहाँ पे आईटी का हब है, पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर की शॉप ही शॉप हैं आगे पे, कंप्यूटर लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक जितना भी सामान है यहाँ पे
सस्ता और इजी मिल जाता है। फिलहाल हम नाजा मार्केट की तरफ नहीं जाते हैं, हम चलेंगे लाटूस रोड, फिर अमीनाबाद होते हुए चारबाग होते हुए चलेंगे। तो अभी हम तुलसी के पास आ चुके हैं और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे परिवर्तन चौक आएगा। ये जेमनी कॉन्टिनेंटल होटल है और सामने केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। यहाँ पे केडी सिंह बाबू स्टेडियम के नाम से अपना मेट्रो स्टेशन भी है। ये हमारा परिवर्तन चौक चौराहा है। ये जो बाएं तरफ दिखाई दे रहा है भातखंडे संगीत संस्थान है। आगे बढ़ेंगे तो हमारा कैसरबाग का बड़ा वाला चौराहा आ जाएगा। एक्चुअली जो बस अड्डे वाला चौराहा है वो राइट हैंड में लगभग 500 मीटर की दूरी पे है और ये कैसरबाग का बड़ा चौराहा है। और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आनंद सिनेमा की बिल्डिंग है। और यहाँ से दो रोड हो जाएंगे, एक हमारा लाटूस रोड में चला जाएगा, दूसरा वाला अमीनाबाद को जाता है। लाटूस रोड बेसिकली मैकेनिकल इक्विपमेंट का शॉप रहती है लाटूस रोड में, जैसे बेरिंग है, नट बोल्ट हैं, टूल टैकल्स हैं और सेफ्टी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट हैं यहाँ पे मिलते हैं। तो लखनऊ में ऐसा है कि जो मार्केट पूरा होता हो एक ही चीज़ से रिलेटेड होता है, जैसे लाटूस रोड मैकेनिकल इक्विपमेंट के लिए है, नाजा मार्केट कंप्यूटर से रिलेटेड स्पेयर्स मिलते हैं, कंप्यूटर मिलते हैं, लैपटॉप मिलते हैं। ऐसे ही हमारा चारबाग के पास नाका मार्केट है, नाका बोलते हैं उसको, वहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं। हमें कुछ एलन बोल्ट लेने थे, स्पेशल टाइप के हैं, उसके लिए हम केसरवानी बोल्ट है यहाँ पे, वहाँ पे चलते हैं और वो ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं केसरवानी की शॉप पर और ये यहाँ की प्रतिष्ठित शॉप है और इनके रेट बहुत वाजिब हैं और इनके पास हर रेंज के बोल्ट उपलब्ध रहते हैं, स्टॉक अच्छा रखते हैं, जैसे एलन बोल्ट, हेक्स बोल्ट, एमएम साइज में और इंचेस साइज में हर साइज के नट बोल्ट उपलब्ध रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं अमीनाबाद और अमीनाबाद में बेसिकली कपड़े की दुकानें ज़्यादा हैं, कपड़ों के लिए फेमस है। यहाँ पे चिकन के कपड़े भी मिलते हैं और यहाँ की जो प्रताप मार्केट है वो फेमस है, प्लस प्रकाश कुल्फ़ी वाला जो है ये अमीनाबाद का फेमस है। इसलिए अभी प्रकाश कुल्फ़ी तो हम नहीं खाने जा रहे हैं, बट मार्केट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कम रेट में कपड़े उपलब्ध हो जाते हैं, कुछ शोरूम भी हैं, बट जो आम छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे बहुत ही रियायती दाम में कपड़े मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट दुकानें कपड़ों की ही हैं। इसमें भी खास है, एक साइड में अगर बच्चों की दुकानें होंगी कपड़ों की तो बच्चों की ही मिलेंगी और किसी साइड में कोट पैंट का होगा वो पूरी लाइन कोट पैंट की होगी। अगर साड़ियों की दुकानें हैं तो वो लाइन से साड़ियों की ही, 10-20-25 दुकानें जितनी भी रहेंगी लाइन से वो साड़ियों की ही रहेंगी। यहाँ पे छोटी दूरी तय करने के लिए पैडल वाले रिक्शे भी चलते हैं।
और अमीनाबाद से निकल के हम लोग चारबाग की तरफ चलेंगे। लखनऊ में सस्ते कपड़ों की दो जगह पे ये दुकानें हैं, एक तो ये अमीनाबाद में मिल जाते हैं, बाहर बाहर जो दुकानें लगी हैं यहाँ पे रीज़नेबल दाम पे मिल जाते हैं, और ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम जो हैं अमीनाबाद में हैं, प्लस आलमबाग में हैं, और भूतनाथ मार्केट में भी अधिकांश ब्रांडों के शोरूम्स हैं कपड़े के लिए। तो अब हम लोग पहुँच रहे हैं चारबाग, और आपको दिखा रहे हैं सामने चारबाग रेलवे स्टेशन है। यहाँ से दाहिने तरफ में UPSRTC का बस अड्डा है, और बाएं तरफ में चलेंगे तो चारबाग मेट्रो स्टेशन है। सामने जो दिख रहा है ये मेट्रो स्टेशन है। और हम पहुंच चुके हैं चारबाग रेलवे स्टेशन। ये इंडिया का सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से अपना पूरा इंडिया की कनेक्टिविटी है रेलवे के द्वारा। रेलवे कनेक्टिविटी ऑल इंडिया फैली हुई है, जैसे बॉम्बे, कोलकाता, पूना और अपना और चंडीगढ़, बनारस, प्रयागराज, देहरादून, हरिद्वार आदि शहरों के लिए यहाँ से ट्रेनें उपलब्ध रहती हैं डेली, और ऑलमोस्ट इंडिया के हर शहर के लिए ट्रेन मिल जाती है, कुछ एक को छोड़ करके। और ये इसी के साथ में अपना एक इसी चारबाग रेलवे स्टेशन से ही सटा हुआ चारबाग में दूसरा स्टेशन है जिसको छोटी लाइन के नाम से जानते हैं, वहाँ से भी कुछ जगहों के लिए ट्रेनें जाती हैं। बॉम्बे वाली सारी ट्रेनें इधर से ही छोटी लाइन से ही निकलती हैं, और अभी हम लोग यहाँ से यू टर्न ले लेंगे और उसी रास्ते से वापस निकलेंगे। और लखनऊ से दिल्ली के लिए तो मुझे लगता है दिन में दर्जनों गाड़ियाँ जाती हैं लखनऊ और दिल्ली। वैसे चारबाग के अलावा और भी छोटे स्टेशन हैं यहाँ पे, ऐशबाग रेलवे स्टेशन है, बासा नगर रेलवे स्टेशन है, जितनी भी गोरखपुर तरफ की जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो बासा नगर होते हुए निकलती हैं। रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद अपने गंतव्य स्थान जाने के लिए यहाँ से ओला और उबर की भी सुविधा उपलब्ध है, प्लस ऑटो चलते हैं और टैक्सियां भी उपलब्ध रहती हैं। प्लेटफॉर्म 8 और 9 का रास्ता ये सामने से जाता है। और सामने ये रिजर्वेशन काउंटर है, यहाँ पे टिकट रिजर्वेशन वाले टिकट मिलते हैं, टिकट के लिए रिजर्वेशन करा सकते हैं। और हम लोग स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, और आगे हम आ गए हैं KKC, और KKC से हम कैंट होते हुए लोहियापत पकड़ करके बाईपास विकास नगर तक जाएंगे। अब कैंट के लिए हम लोग यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, और आगे एक ब्रिज पड़ेगा, ब्रिज के नीचे एक गायत्री मिठाई की दुकान है जहाँ पे इमरती फेमस है, उनकी इमरती खाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
तो पुल पार करते ही सामने उनकी दुकान है। ये सामने आ गया है गायत्री मिष्ठान भंडार। इनके यहाँ अब इमरती खाई जाएंगी और फिर आगे निकलेंगे हम लोग। तो हमारे सुधीर जी टोकन ले आए हैं अंदर से, इमरती लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे बिल्कुल ताज़ी, आपके सामने ही उसको रस में डूबे के देगा, गर्मा गर्म इमरती खाने का मज़ा ही कुछ और है। सुधीर जी ने स्टार्ट कर दिया है खाना। कैसी लग रही सुधीर जी, मस्त है ना? अब हम लोग थोड़ा इमरती का स्वाद लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। अगर आप लोगों को भी इमरती खाने का मन हो तो यहाँ आ जाइए। अब हम आ गए हैं बाईपास कैंट से, निकल रहे हैं और आगे बढ़ते हैं लोहिया पथ पे। सामने पराग डेयरी का ऑफिस है और आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री आवास वाला चौराहा पड़ेगा, उसके आगे लोहिया पथ स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से चौराहा पार करने के बाद में और ये लेफ्ट वाला हजरतगंज चौराहे पे चला जाता है रास्ता। हम सामने वाले रास्ते पे चलेंगे। ये बाएं तरफ वाला जो दिख रहा है जंगल सा, इसलिए इसी के पीछे में अपना जू है, चिड़ियाघर जो है इसी के पीछे में है, बस मुश्किल से 100-150 मीटर की दूरी पे। और सामने हम लोग 1090 चौराहे पे पहुंच गए हैं। ये 1090 के नाम से फेमस है चौराहा, महिला हेल्पलाइन 1090। और सामने ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोमती पार्क। और आगे बढ़ेंगे तो गोमती नदी है, ये गोमती नदी का पुल है। गोमती रिवर फ्रंट भी यहीं पे है। जो सामने चौराहा दिख रहा है ये समतामूलक चौक है। यहाँ से अगर हम राइट में चले जाएंगे तो गोमती नगर होते हुए, पॉलिटेक्निक होते हुए इंदिरा नगर पहुँच जाएंगे, लेकिन मुझे विकास नगर साइड में जाना है तो सामने वाले रोड पे सीधे ही चले जाएंगे। सामने शक्ति नगर ढाल होते हुए, सर्वोदय नगर होते हुए विकास नगर पहुंच जाएंगे। इस पुल की खास बात यह है कि इसके नीचे पे अयोध्या लखनऊ रोड है और उसके नीचे कुकरेल नाला है,
और इसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं और इसके ऊपर भी मेट्रो चल रही है। तो हम लोग सर्वोदय नगर के पास पहुंच रहे हैं और यहां से हम आगे लेफ्ट हैंड टर्न कर लेंगे और डंडिया साइड में पहुंचेंगे, फिर उससे आगे विकास नगर चले जाएंगे। बेसिकली ये रोड अभी कुछ ही समय पहले बना हुआ है, 4-5 साल पहले, और ये सीधा जो है रिंग रोड पे जा कर के मिल जाता है। हम लोग यहाँ से लेफ्ट टर्न कर लेंगे और यही है कुकरेल का नाला। ये पीएससी वाहिनी है। और आगे हमारा हिबेट पॉलीटेक्निक पड़ेगा और हम लोगों की यात्रा वहीं तक है और हम लोग अपने गंतव्य स्थान हिबेट पॉलीटेक्निक पर पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।